जी हाँ दोस्तों, अभी भी हमारे भारत की सरकार ने बिजली बिल ग्राहकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी को जारी की है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ हमारे सोने चांदी को लेकर भी हमारी केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में बहुत ही यहाँ पर भयंकर ऐलान को जारी किए हैं। और दोस्तों इस साल के लॉकडाउन के माहौल में हमारी केंद्र सरकार ने सोने चांदी को बहुत यहाँ पर सस्ता कर दिया है। अगर दोस्तों आप इस सोना और चांदी खरीदना चाहते हैं तो यही आपका सही मौका है कि आप सोने और चांदी का ज्वेलरी बनवा लीजिए, वरना दोस्तों आगे चल करके आपका सोना और चांदी काफी यहाँ पर महंगा हो जाएगा। तो चलिए आज सोने और चांदी के बारे में ताजा रिपोर्ट जानेंगे। और दोस्तों इसके साथ ही साथ हमारे बिजली बिल को लेकर हमारी केंद्र सरकार ने कौन सी जानकारी दी है, इस पर भी आज हम आपको अपने इस वीडियो में एकदम कांच की तरह क्लियरली समझाएंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी ननिस रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए चलता हूं आपको आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि सोना हुआ सस्ता, चांदी के भाव में भी आई भारी गिरावट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे सोने और चांदी के भाव में लगातार आपके पिछले एक हफ्ते से काफी यहाँ पर गिरावट देखी जा रही है। और दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में सोने और चांदी का पूरा यहाँ पर ताजा रिपोर्ट बता के रहेंगे कि आखिरकार आपके एक हफ्ते का पूरा यहाँ पर सोने और चांदी में कितनी ज्यादा यहाँ पर गिरावट देखी गई है। और दोस्तों यहाँ पर साफ साफ आपका लिखा भी गया है कि सरफरा बाजार में सोना 640 रुपए गिरावट के साथ 54,269 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। और दोस्तों वही यहाँ पर हमारे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 54,909 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। और दोस्तों बात करें आपके इस हफ्ते में आपके दिल्ली सरफरा बाजार में आपके सोने और चांदी के भाव में कितनी ज्यादा नरमी आई है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि स्थानीय सरफरा बाजार में चांदी को बिकावली दबाव का सामना करना पड़ा और इसकी कीमत भी 3,111 रुपए की गिरावट के साथ 69,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गई। और वहीं दोस्तों हमारे पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 72,562 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। यानी कि दोस्तों हमारे लगातार एक हफ्ते से आपके सोने और चांदी के भाव में काफी यहाँ पर नरमी देखी जा रही है। तो अगर दोस्तों आप भी सोने और चांदी का ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं तो यही आपका सही मौका है कि हमारे लगातार आपके सोने और चांदी का भाव सस्ता हो रहा है, तो आप इसी में अपना ज्वेलरी बनवा लीजिए ताकि आगे चल करके आपको ज्यादा पैसे न देना पड़े। और दोस्तों ये जो हमारा लॉकडाउन में सोना और चांदी सस्ता हुआ है वो बहुत ही यहाँ पर सीमित समय के लिए है। तो अगर दोस्तों आप भी सोने और चांदी का ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, वरना आगे आपका सोना और चांदी काफी यहाँ पर सस्ता हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिजली बिल को लेकर हमारी केंद्र सरकार ने कौन से यहाँ पर बड़े ऐलान जारी किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि मोदी सरकार ने दी बिजली वितरण कंपनियों को बड़ी राहत, वर्किंग कैपिटल लिमिट में इजाफा किया। यानी दोस्तों आपको बता दें कि हमारे बिजली बिल में काफी यहाँ पर इजाफा किया गया है। अगर दोस्तों आपके घर में ज्यादा बिजली बिल आती है तो हमारी केंद्र सरकार ने कुछ ऐसी यहाँ पर व्यवस्था को लागू किया है जिसके तहत दोस्तों आपके लॉकडाउन के दौरान में आपका काफी यहाँ पर कम बिजली बिल आएगा। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी पर नजर डालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि कोविड-19 महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन से बिजली बिल क्षेत्र के लिए नकदी की समस्या बढ़ी है। और दोस्तों एक तरफ जहां बिजली बिल की वसूली में समस्या हुई, वहीं दूसरी तरफ जरूरी सर्विस के कारण बिजली की सप्लाई बनाई जा रखी है। और दोस्तों इसी के माहौल में हमारे लॉकडाउन के दौरान बिजली की खपत में काफी यहाँ पर कमी आई है और हमारे आर्थिक गतिविधियों में तेजी और बिजली मांग में बढ़ोतरी में कुछ यहाँ पर समय लगेगा। और दोस्तों इसके साथ ही हमारे बिजली सेक्टर में नकदी के मोर्चे पर स्थिति अल्पकाल में नहीं सुधरेगी, इसलिए दोस्तों हमारे बिजली सप्लाई बनाए रखने के लिए बिजली में नकदी डाले जाने की तत्काल जरूरत है। और इसके साथ ही हमारे लॉकडाउन के कारण जूझ रही कंपनी ने बहुत यहाँ पर बड़े फैसलों को जारी किए हैं। और दोस्तों इस हमारे फैसले में यह निर्णय लिया गया है कि लगभग दोस्तों हमारे 90,000 करोड़ रुपए की जितनी भी आपकी बिजली बिल की राशि है, उन सभी यहाँ पर बिजली बिल की राशि सभी यहाँ पर गरीबों की माफ कर दी जाए। और दोस्तों ऐसा ही आपका हुआ है, लगभग दोस्तों हमारे सभी यहाँ पर गरीबों का बिजली बिल माफ कर दिया गया है। और दोस्तों ये सारा का सारा जो कुछ हुआ है वो हमारे लॉकडाउन के चलते हमारी केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बता दीजिएगा कि आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं कि धनी परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर दोस्तों आप एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इतनी बात हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा। बस आपको यही कुछ यहाँ पर छोटा सा अपडेट देना था। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको बेहद ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपके मन में इस खबर से रिगार्डिंग कोई भी मन में डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट में, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।